नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 में भारत की बहुत ज्यादा बुरी हार हुई है और भारत इस सीरीज में अब 2-1 से पिछड़ गया है। इंग्लैंड ने शुरुआत से ही इस मैच में दबदबा बना के रखा था। इंग्लैंड के गेंदबाज खास तौर से मार्क वुड ने इस मैच में कहर बरपा दिया। जो 3 विकेट उन्होंने लिए उसने टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और जिसने भी मार्क वुड को अपनी बॉलिंग फैंटेसी में कैप्टन बनाया होगा उसकी बल्ले बल्ले होगी, या फिर बल्लेबाजी में जिसने मार्क वुड को कैप्टन बनाया होगा अपनी टीम में उसकी भी बल्ले बल्ले हो गई होगी। क्योंकि भाई मार्क वुड बहुत कम खिलाड़ियों ने इनको लिया था, लेकिन जिसने भी लिया था खासतौर से बल्लेबाजी की एप्लीकेशन पर जिसने भी लिया होगा वो तो आज हजारों जीतेगा, उसकी तो चांदी हो गई। इसके अलावा मार्क वुड के अलावा भी कई सारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और टीम इंडिया को शुरुआत से ही बांध कर रखा। लगातार रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट लेते गए, लेकिन कप्तान कोहली ने शानदार 77 रन बनाए जिस वजह से टीम इंडिया 156 तक पहुंच पाई। फिर इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों ने काम तमाम कर दिया, खासतौर से जॉस बटलर ने। खैर, अब आते हैं इस बात पर कि आखिरकार हार हुई कैसे, 5 कारण क्या रहे हार के, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला हार का कारण रहा टीम सिलेक्शन। आपने उल्टा सीधा टीम सेलेक्ट कर लिया। केएल राहुल फॉर्म में नहीं चल रहे थे, ईशान किशन ने ओपनिंग में रन बनाए थे, आपने ईशान किशन का भी डाउन चेंज कर दिया, केएल राहुल को भी बनाए रखा जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। आप रोहित शर्मा को लेकर आते हैं और केएल राहुल के साथ ओपनिंग उतार देते हैं, पूरी तरीके से प्लान फेल हो जाता है। ना केएल राहुल चल पाते हैं, ना ईशान चल पाते हैं, ना रोहित चल पाते हैं, तीनों को आप एक बार में ही तहस नहस कर देते हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ा हार का कारण यही रहा टीम सेलेक्शन। फिर दूसरा कारण रहा कोहली के अलावा किसी भी बल्लेबाज का ना चलना। चलिए ऊपर के 3 बल्लेबाज नहीं चले, नीचे तो आपके पास श्रेयस अय्यर भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं। जब जिस विकेट पर कोहली 77 बना सकते हैं 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ, क्या उस विकेट पर कोई और बल्लेबाज रन नहीं बना सकता? यहीं पर टीम इंडिया मात खाई क्योंकि दूसरे किसी बल्लेबाज के बल्ले से बहुत ज़्यादा रन नहीं निकले। 25 रन ऋषभ पंत ने बनाए, 9 रन अय्यर ने, 17 रन पांड्या ने, वो भी 15 गेंदें खेलकर। पांड्या 15 गेंद खेलते हैं तो उनको 30-35 कहीं नहीं जाते, लेकिन आज वो 17 ही बना पाए। इस वजह से टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 156 ही बना पाई और फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉस बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी की और बाकी सारे खिलाड़ियों के छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ मिलकर अपनी टीम को जिता दिया। तो दूसरा कारण तो भारतीय टीम की जो दूसरी सेकंड लाइन ऑफ बल्लेबाजी है, यानी कि श्रेयस अय्यर हो गए, पंत हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, इनका फेल हो जाना। और फिर तीसरा कारण ये भी रहा कि आपके बॉलर्स बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। शुरुआत में जेसन रॉय का विकेट ज़रूर मिल गया, लेकिन एक तरफ से रन्स लगातार लीक हो रहे थे तो प्रेशर नहीं बन पा रहा था सामने वाली टीम पर, बॉलर्स थोड़ा सा कम असरदार नज़र आए। तो ये 3 बहुत बड़े कारण थे जिसकी वजह से टीम इंडिया आज का मैच हारी है और उम्मीद ये करते हैं कि अपनी गलतियों से टीम सीखेगी और आने वाले मैच में पलटवार करेगी। बाकी मैं लगातार कह रहा हूं कि बल्लेबाजी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए अगर आप फैंटेसी लीग्स के शौकीन हैं, क्रिकेट की फैंटेसी के शौकीन हैं और खेलते हैं अगर किसी एप्लीकेशन पर, तो बल्लेबाजी को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है क्योंकि ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप कभी हार नहीं सकते। आप बैटिंग की फैंटेसी अलग खेल सकते हैं, बॉलिंग की अलग खेल सकते हैं, रिवर्स फैंटेसी अलग खेल सकते हैं। इसके अलावा हार इसलिए नहीं सकते क्योंकि आप जीतेंगे रैंक आएगी तो आपको कैश मिलेगा, गलती से हार जाते हैं तो आपको बीबी के यानी कि बल्लेबाजी के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, उन कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हैं। कई सारे हमारे दर्शक हैं, उन्होंने बताया है कि रिडीम करने पर किसी को मोबाइल फ़ोन मिल गया, किसी को क्रिकेट बैट मिल गया, किसी को बाइक तक निकल आई। तो भाई इंतज़ार किस बात का है जब इतना कुछ इस एप्लीकेशन में है जिसमें आप हार ही नहीं सकते। तो जब जीत ही जीत है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको क्लिक कीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर 100 रुपये का बोनस चाहिए, अगर शुरुआत में आपको 100 रुपये चाहिए खेलने के लिए, तो साइनअप जो कोड होगा उसमें डालिएगा SH100। ये कोड डालेंगे स्पोर्ट्स आर के दर्शकों के लिए, ये मुफ्त है, उनको 100 रुपये मिल जाएंगे खेलने के लिए, 100 रुपये का बोनस मिल जाएगा। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। खेलिए 100 रुपये के साथ, खूब सारे पैसे बनाइए और टीम्स बनाइए, ज़रूर बनाइए, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, मेरी टीम को भी हरा कर दिखाइएगा, साथ में खेलेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।